अब खबरें विस्तार से। कांग्रेसियों ने शनिवार को विद्युत जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और तालाबंदी की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमशेदपुर के बिजली के जीएम जो बिजली के मालिक है उनके पास हम लोग आए हुए हैं कि बहुत शर्म की बात है। पूर्वी के विधायक रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और यहाँ के मंत्री सरयू राय जी हैं, लेकिन उसके बाद ही बिजली का बहुत बुरा हाल है। मानगो के लोग परेशान है, बागबड़ा के लोग परेशान है, बिरसा नगर के लोग परेशान है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम को देखते हुए आज हम लोग चार सूत्री मांग पत्र सौंप रहे हैं कि जितना भी दुर्गा पूजा पंडाल बना है उसके ऊपर से नंगा तार दिया हुआ है और कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है। अविलंब उसमें सेफ्टी गार्ड लगाया जाए, अन्यथा किसी भी पंडाल में कोई भी घटना घटेगा तो डायरेक्ट हम जीएम के ऊपर एफआईआर करने का काम करेंगे। टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने शनिवार को ओल्ड एज होम जाकर बुजुर्गों के बीच कुछ समय बिताया। टाटा मोटर्स के अधिकारी अनुज कुमार की अगुवाई में शनिवार को कंपनी के कुछ अधिकारियों ने शनिवार को बाराद्वारे स्थित ओल्ड एज होम जाकर अपने परिवार से दूर एकांकी जीवन बिता रहे बुजुर्गों के साथ मुलाकात किया और उनके साथ कुछ वक्त बिताया। सीनियर्स माँ बाप और जितने वृद्ध लोग हैं उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे ये संदेश लेना चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों में ऐसे क्या संस्कार अच्छे डालें सो दैट हम भी अपने माँ बाप की रक्षा कर पाए। उरी का बदला चुकाने के लिए भारतीय फौज की कार्रवाई की सराहना हर तरफ हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी खुलकर भारतीय फौज का हौसला अफजाई किया। उड़ी में आतंकवादी घटना के बाद से पूरा देश बदले की कार्रवाई चाहता था। भारतीय फौज ने 3 किलोमीटर भीतर घुसकर पाक अधिकृत कश्मीर में न केवल आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट किया बल्कि 38 आतंकवादियों को मार गिराया। इसका समर्थन हर समुदाय के लोगों ने किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भारतीय फौज के खुलकर तारीफ की है। जी, जो प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए हैं कि 3 किलोमीटर अंदर घुसकर जो इंडियन आर्मी मारा है, ये निर्णय तो प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले लेना चाहिए था। इस काम में उन्होंने थोड़ा देर कर। पाकिस्तान के रवैये से कैसा लग रहा आपको? पाकिस्तान के रवैये से तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उन्होंने ऐसा काम किया। अब जो करना है हिंदुस्तान के फौजियों को करना है। देखिए, ये तो होना ही चाहिए था। जिस तरह आतंकवाद पूरी दुनिया में आफत किया हुआ है, बेकसूर लोगों की जाने जा रही है, ये बहुत जरूरी था और इससे पहले स्टेप लेना चाहिए था। कल जो हुआ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी की बात है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग के। दुर्गा पूजा को अब गिनती के दिन बचे हैं पर अभी भी आधे से ज्यादा पूजा समितियों ने अग्निशमन विभाग से NOC हासिल नहीं किया है। दुर्गा पूजा समितियों को पंडाल निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए विभाग को आवेदन दिया जाता है पर अभी तक सिर्फ 22 पूजा समितियों ने ही विभाग को आवेदन दिया है। विभाग के प्रमुख गोपाल यादव ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पंडाल में अग्निशमन गाड़ी आने का स्थान होना, पंडाल के पास बालू का इंतजाम रखना होता है। देखिए, जहाँ तक अभी मैंने 22 लोगों को NOC दे चुका हूँ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार, शेष 6 या 7 आवेदन मेरे पास अभी आए हुए हैं। जो लोग आएंगे उनको दे दिया जाएगा और अभी तो टाइम है, लोग यहाँ तक उम्मीद है कि 5-6 तक तो आएंगे ही कंटिन्यू। किस लिए NOC लिया जाता पूजा पंडाल? NOC एक प्रकार का सुझाव है अच्छे तरीका से रहने के लिए, सेफ्टी को पालन करने के लिए। जैसे मेरा NOC में सुझाव ये रहता है कि सबसे पहले पंडाल तक हमारी गाड़ी, अग्निशाम सेवा की गाड़ी, किसी प्रकार की घटना होती है, अनहोनी होती है तो वहाँ तक आसानी तरीके से पहुँच सके। इसके बाद गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं होना चाहिए। विद्युत समस्या को लेकर आजसू द्वारा गोलमुरी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया।
विद्युत समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर आजसू द्वारा गोलमोरी विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की है। इसके अलावा 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया। हम लोग गैर कंपनी क्षेत्र में बिजली की अनियमितता जो बढ़ती जा रही है सरकार द्वारा और बिजली प्रबंधक के द्वारा, सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि 24x7 बिजली रहेगा, 24 घंटा तो दूर 7 घंटा बिजली नहीं रहता है। क्या सरकार घोषणा की सरकार है? धरातल पे कुछ सुन। इसलिए हम लोग आज बिजली ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग को बिजली नियमित पूरा दिया जाए, अन्यथा हम लोग 7 दिन के बाद बिजली ऑफिस में तालाबंदी करेंगे। शनिवार को स्कूली ऑटो चालकों ने बैठक कर प्रशासन के गाइडलाइन के अनुपालन का निर्णय लिया। जमशेदपुर स्कूली वाहन संचालक समिति की बैठक में प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करने तथा क्षमता से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संतोष मंडल ने किया। हर स्कूल में जा जाके हम लोग चलाएंगे अभियान कि बच्चों की क्षमता कम करें और ओवरलोडिंग कम करें, और अपने गाड़ी में खास करके 2 गाड़ी में हम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, हाँ, जैसे ऑटो और आपका मैजिक। ऑटो में दोनों साइड जाली होनी चाहिए, हाँ, और मैजिक में जाली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी चंचल होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी इधर उधर हो जाने से बच्चे गिर जाते हैं। इसीलिए ऑटो और मैजिक वाले भाई से अनुरोध है, चालकों से अनुरोध है कि आप उस गाड़ी में जाली लगा लें, अवश्य जाली लगाएं और बच्चों को पीछे ना बैठाएं, ना आगे बैठाएं, ना पीछे बैठाएं, पीछे बैग रखें और आगे जो है आगे भी बच्चे ड्राइवर सीट के आगे ना बैठाएं, बीच में जो बच्चे बैठाना चाहते हैं बैठाएं, क्योंकि काफ़ी घटना घटी है। SS एकेडमी स्कूल बालीगुमा के बच्चों ने स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर रैली निकाली। SS एकेडमी स्कूल बालीगुमा के बच्चों ने शनिवार को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। इसके अलावा उन्होंने नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बालीगुमा की ओर से यहाँ पे डिमना चौक में आए हैं और ये परम पिता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पे विशेष करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उन्होंने एक सपना संजोया था स्वच्छ भारत का, उसी का यहाँ पे बच्चों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मतलब हम लोग लापरवाही से इधर उधर कचरा फेंकते हैं और अपना शहर को गंदगी करके रखते हैं। तो हम लोग सबसे लोगों से अपील करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि गंदगी को दूर भगाइए और अपना समाज को, अपना शहर को स्वच्छ बनाइए, जगह को साफ रखेंगे तो हम बीमारी से बचेंगे। और जैसे कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हम लोग अपने देश को स्वच्छ रखें, तो इस रैली के द्वारा हम लोगों को बस यही बताना चाहते हैं कि अपने आस पास की जगह को साफ रखें ताकि अनेक प्रकार की बीमारियों से वो लोग बचें। अग्रसेन जयंती के समापन पर शनिवार को बिष्टुपुर राम मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। Come on.
सभी के, हम सभी उनके वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर पूरे समाज द्वारा सम्मिलित रूप से शोभा यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है। सप्ताहव्यापी क्या कार्यक्रम था जिसमें समाज के लोगों को, प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते हुए महाराजा अग्रसेन जी को हम लोगों ने नमन किया। और आज चूंकि इसका समापन है तो मैं अपनी ओर से और पूरे समाज की ओर से समाज बंधुओं को हृदय से शुभकामना और बधाई देते हुए अग्रसेन जी के सुख नमन करता हूं।